अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमने 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़, यानी कि हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले पार्ट में है वाई इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक टू एक्स। अब यहाँ पर हाइपरबोलिक के फॉर्मूलाज आते होंगे तो हम इसका डेरिवेटिव ईजिली निकाल सकते हैं। कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हमारे पास साइन हाइपरबोलिक होता है, तो यहाँ से जब हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया तो कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक टू एक्स। और एंगल देखिए यहाँ पे चेंज आ रहा है, जब एक्स के अलावा कोई एंगल आ रहा हो तो एंगल का आप अगेन डेरिवेटिव लेते हो। यहाँ पे एंगल टू एक्स आ रहा है वो चेंज है, इसलिए एंगल का अगेन डेरिवेटिव टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा वन। तो कोस हाइपरबोलिक टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक टू एक्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स। साइन ये फार्मूला से याद रखनी है, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला कोस हाइपरबोलिक होता है, कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक होता है डेरिवेटिव की फॉर्म में। हाइपरबोलिक के अंदर साइन और कोस में नेगेटिव साइन नहीं आता। तो जब हाइपरबोलिक की बात करें इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो बोथ साइड डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पर देखिए साइन हाइपरबोलिक है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक थ्री एक्स। एंगल चेंज है, एक्स के अलावा कोई और नंबर आ रहा है इसलिए एंगल का अगेन डेरिवेटिव, एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेंगे थ्री बाहर आ जाएगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा वन। तो साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री कोस हाइपरबोलिक थ्री एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स वाले फंक्शन बीच में आ गए हैं। अब इन्वर्स वाले फंक्शन में है कि हमारे पास टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव बताएं। ये फार्मूला याद रखना है कि जब भी टैन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेना है उसका फार्मूला वन ओवर वन प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। टैन इन्वर्स का था वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर जब हाइपरबोलिक की बात हो रही होती है, और तब एक्स जो उसके एंगल में होता है नीचे उसका स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है बहुत सारी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तब जब एंगल में एक्स हो। अब एक्स की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर आना है, वो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। एंगल देखें एक्स के अलावा चेंज आ रहा है इसलिए एंगल का अगेन डेरिवेटिव वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, कैसे, हमने कहा आइडेंटिटी पड़ी हुई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, वहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे कोस स्क्वायर की तो हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए ऊपर एक कोस है नीचे पावर टू है, एक कोस को कैंसिल कर देगा, वन ओवर कोस को हम सेकेंड एक्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास सेकेंड एक्स इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट अब हमारे पास फंक्शन है, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर है साइन हाइपरबोलिक एक्स पावर थ्री। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बच्चों जब आ जाता है तो इनवर्स का फॉर्मूला वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। एक्स का स्क्वायर तब होता है जो उसके एंगल में आ रहा है उस चीज़ का स्क्वायर। तो जब आपने यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस अंदर वाली चीज़ का स्क्वायर आना था, अंदर वाली चीज़ का स्क्वायर आना है, तो हमारे पास यहाँ अंदर एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। अभी एक्स के अलावा डिफरेंट चीज़ आ रही है इसलिए उसका गेन डेरिवेटिव। अब ये थ्री टू जार सिक्स होता है, सिक्स बन जाएगा, इधर पावर वो लगेगा, पावर नीचे, पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो थ्री नीचे और पावर में से कम होकर ये टर्म हमारे पास आंसर आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है वाई इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो नेचुरल लॉग का वन ओवर टेन आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है वन ओवर एक्स। तो ये वन ओवर टेन हाइपरबोलिक एक्स, अंदर वाली चीज़ डिफरेंट आ रही है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे आप, तो टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे उसके अंदर, देखिए अब टेन हाइपरबोलिक को आप लिख सकते हो कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक है, और सेकेंड हाइपरबोलिक को लिख सकते हो वन ओवर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक है। तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास एक कोस को कैंसिल कर देगा। अब एक कोस जब एक कोस को कैंसिल कर देगा आपके पास यहाँ सिंपल एक कोस रह जाएगा, तो ये वन ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स है। आप इसी स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो जो डिवीजन की डिवीजन में आता है आप उसे ऊपर जाके भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कंपोज कर सकते हैं। अगर मैं इसे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो टू साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक टू एक्स के। तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे साइन है ऊपर जाके कोसेकेंड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस है, उसके पार्ट्स में भी आपने डेरिवेटिव लेना है। लास्ट पार्ट है वहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, तो भी मैंने बताया उसका फॉर्मूला वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एंगल में जो चीज़ आ रही है उसका स्क्वायर, अंदर वाली चीज़ का अगेन डेरिवेटिव। आप जब इसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को जो क्वेश्चंस करवाएं आप इसे देखें, अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।